नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जोधपुर से महेंद्र राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन शोभा यात्रा की शुरुआत से किया। मुनपुरी बाबा मंदिर के पास स्थित वाजपेयी स्टेडियम से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। शोभा यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए फतेहगढ़ लालसर, गुमानपुरा, रामदेव नगर, सगरा होते हुए वापस वाजपेयी स्टेडियम में पहुंची, जहां पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक श्री विक्रम जी परिहार ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम सभी धर्मों के आदर्श मर्यादा पुरुष थे, हमें उनकी जीवन से प्रेरणा लेनी होगी। कार्यक्रम में पधारे सभी धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अभय सिंह राठौर गुमानपुरा ने बताया कि हमें ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष करने चाहिए जैसे सामाजिक सद्भावना का सरोकार हो। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभु सिंह बुड़किया, कान सिंह गोशाला अध्यक्ष, कान सिंह आसरलाई, भवानी सिंह जिला सरपंच संघ अध्यक्ष, हेमाराम कुमावत पूर्व प्रधान, खीर सिंह पीलवा, भावनलाल मंडला, मांगीदास उटालिया, कृष्णन सिंह संग्रह, विश्व सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह देचू, मेघ सिंह भाटी, खेत सिंह भाटी, अगर सिंह ठाटिया, खेमचंद कुमावत, दीप सिंह गुमानपुरा, विश्व हिंदू परिषद जिला संगठन मंत्री खतरा रामजी, प्रखंड मंत्री कांसिंग राजपुरोहित, बजरंग दल संयोजक प्रेम सिंह फतेहगढ़, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, गुमान सिंह, कार्यक्रम प्रभारी दलपत सिंह फतेहगढ़ सहित लोग मौजूद।